यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका वो अभूतपूर्व है, वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे, और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है, इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज
और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे।